next type of integral is in front of your screen. So what is that? Integral of the type integration of e raised to x f of x plus f dash of x into dx. This is equals to what? This is very important. E raised to x as it is into what? F of x plus what? C. सो देखिएगा इस टाइप में आपके पास क्या होगा. इंटीग्रल कंटेन्स फर्स्ट टर्म इज व्हाट? ई रेस टू एक्स. फर्स्ट टर्म आपके पास क्या होगा? इंटीग्रल. इफ इंटीग्रल कंटेन्स ई रेस टू एक्स देन आफ्टर दैट इन फ्रंट ऑफ प्रोडक्ट में आपके पास क्या होगा? देखिएगा वहां पर एक फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स एंड देन आफ्टर दैट आपके पास क्या होगा? उस फंक्शन का डेरिवेटिव. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. ओके, फंक्शन आपके फ्रंट में होगा, ब्रैकेट में, मिडल में कौन सी साइन होगी? प्लस या माइनस भी आ सकती है, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो वहाँ पर ए. और एंड देन आफ्टर दैट एफ डैश ऑफ एक्स. एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स वॉट? F dash of x means what? The derivative of f of x. क्या होगा ये आपके पास? Derivative, okay? Yes, I am talking about derivative. तो आपके front में क्या होगा? यहाँ पर derivative होगा into dx. तो इस type के integral का answer आप कैसा write down करेंगे देखिएगा. तो first आप क्या write down करेंगे? ये जो आपके पास e raised to x, ये e रेस टू x हम एज इट इज राइट डाउन करेंगे यहाँ पर. देन आफ्टर दैट ये जो फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव आपके पास अवेलेबल था, जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपके पास अवेलेबल है, उस फंक्शन को हम क्या करेंगे यहाँ पर? प्रोडक्ट में आफ्टर इंटीग्रेशन एज इट इज राइट डाउन करेंगे. एंड देन यू नो वेरी वेल क्या राइट डाउन करना है? कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी. द कंडीशन इज वॉट? फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स के फ्रंट में, प्रोडक्ट में आपके सामने क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए. तो तब हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू व्हाट? ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? इसी का प्रूफ यहाँ पर देखते हैं. अब इन प्रूफ क्या कंसिडर किया है देखिएगा. आपके पास यहाँ पर प्रूफ में क्या कंसिडर किया है? e रेस टू x इंटू एफ ऑफ x. देखिएगा e रेस टू x इंटू एफ ऑफ x, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग विच मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड. कैसा पहचानेंगे आप? क्योंकि देखिएगा यहाँ पर इसको अनदर वेरिएबल सपोज किया गया है ना, t, तो दैट्स वाई. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व जब कर रहे हैं तो यू नो वेरी वेल सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब भी हम सॉल्व करते हैं तो आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है. ठीक है, तब हम यहाँ पर उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. तो आफ्टर डिफरेंशिएशन यू विल गेट व्हाट? या हम यूज़ करेंगे इन लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर? प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे. ओके, तो कौन सा रूल यूज़ करेंगे आप इन लेफ्ट हैंड साइड? तो लेफ्ट हैंड साइड में आप यूज़ करेंगे विच रूल? प्रोडक्ट रूल. ठीक है, सो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल आपके पास यहाँ पर स्टेप क्या आना चाहिए देखिएगा. तो मैं वो यहाँ पर राइट डाउन करती हूँ. ई रेस टू एक्स इन टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या नोटेशन देंगे हम? एफ डैश ऑफ एक्स. मिडल में कौन सी साइन डालना है? अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल प्लस साइन डालना है. देन आफ्टर दैट आपको क्या राइट डाउन करना है? जो सेकेंड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एज इट इज इन टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स. सो यू नो वेरी वेल द डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स यू विल गेट वॉट? ई रेस टू एक्स. मैंने सिर्फ यहाँ पर अभी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको आपको सॉल्व करके दिखाया है बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल. अब देखिएगा यहाँ पर ये यहाँ क्या किया गया है? यहाँ पर कॉमन लिया गया है. ठीक है, क्या कॉमन लिया है? तो देखिएगा ये जो आपके पास टर्म है ई रेस टू एक्स और ये ई रेस टू एक्स कॉमन लिया है. कॉमन लेकर कहाँ राइट डाउन किया है देखिएगा, ये यहाँ पर ई रेस टू एक्स, ये कॉमन लेकर यहाँ पर राइट डाउन किया है. तो ब्रैकेट में आपके पास कौन से टर्म्स रिमेनिंग रहेंगे? यस, ब्रैकेट में हमारे पास टर्म रिमेनिंग रहेगा एफ ऑफ एक्स, राइट, ये देखिएगा, सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स. तो ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स. देन आफ्टर दैट ब्रैकेट में क्या टर्म रहेगा? एफ ऑफ एक्स. ओके, फिर देन दिस इज इक्वल्स टू, अब आते हैं हम राइट हैंड साइड के
डेरिवेटिव पर. तो द डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यू विल गेट व्हाट, डी टी अपॉन डी एक्स. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है देखिएगा. यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये ई रेस टू एक्स एज इट इज राइट डाउन किया है. देन आफ्टर दैट इसको क्या किया है, प्रॉपर सिक्वेंसिंग में राइट डाउन किया है. क्यों? क्योंकि हमारे थ्योरम में देखिएगा क्या किया गया है, पहले एफ ऑफ एक्स कंसिडर किया गया है. तो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, प्लस में टर्म्स है तो हम उसको, आप क्या कर सकते हैं, उसकी प्लेस चेंज कर सकते हैं. तो हम क्या राइट डाउन करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में, पहले एफ ऑफ एक्स राइट डाउन करेंगे. देन आफ्टर दैट क्या राइट डाउन करेंगे हम, एफ डैश ऑफ एक्स दिस टर्म डी टी बाई डी एक्स एज इट इज. ओके, देन आफ्टर दैट क्या करते हैं देखिएगा आप, ये जो आपके पास यहाँ पर हमने जो इसको किया है डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएशन स्टेप को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. तो इंटीग्रेट करना मीन्स व्हाट, हम क्या करेंगे यहाँ पर बोथ दी साइड इंटीग्रेशन सिंबल पुट अप करेंगे, राइट. तो ये देखिएगा इंटीग्रेशन सिंबल यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया है, ये आ गया है इंटीग्रेशन सिंबल. ये जो टर्म है आपके पास ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स, ये पूरा टर्म एज इट इज राइट डाउन किया गया है. इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ डी एक्स राइट डाउन किया है. दैट इज इक्वल टू, दिस इज इम्पॉर्टेंट. अब बोथ दी साइड आपने इंटीग्रेशन सिंबल सब्स्टिट्यूट किया है ना, तो दैट्स वाई क्या हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पर इन राइट हैंड साइड, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट हैंड साइड. ओके, तो राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन गेट कैंसल, यू विल गेट वॉट टी. ओके, प्लस क्या ऐड करेंगे आप वहाँ पर, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज वॉट सी. तो इसका इंटीग्रेशन लिया है आपने तो ये मिला है आपको कौन सा टर्म, टी. अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज जो आपकी यहाँ पर स्टेप है, कौन से स्टेप, ये स्टेप को एज इट इज कॉपी किया गया है, ये एज इट इज कॉपी किया है. अब देखिएगा टी के प्लेस पर, किसके प्लेस पर, टी के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट किया था हमने, टी के प्लेस पर हमने सब्स्टिट्यूट किया था ई रेस टू एक्स इन टू एफ ऑफ एक्स. तो आफ्टर इंटीग्रेशन वैसा भी आप टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हो, यू नो वेरी वेल. तो हम क्या करते हैं यहाँ पर टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं ई रेस टू एक्स इन टू वॉट एफ ऑफ एक्स एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज. तो देखिएगा यहाँ पर ये है आपके फ्रंट में प्रूफ. ओके, इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू वॉट ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी. ओके, फॉर्मूला आपको याद करना है, यू टेक दिस एज अ फॉर्मूला. ओके, अब हम इस पर बेस्ड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. ठीक, क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. ओके, वॉट इज दैट इंटीग्रल ऑफ 2 प्लस कॉट ऑफ एक्स माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, यस, इंटू वॉट डी एक्स. अब ये ई रेस टू एक्स को देखकर आपके माइंड में कुछ तो क्लूज आ गए होंगे कि हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल. यस, जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला देखा था वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. व्हाट इज दैट फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इन टू डी एक्स. ओके, सो यहाँ पर देखिएगा मैंने फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले किया है. तो अकॉर्डिंग टू दैट देखिएगा ई रेस टू एक्स आपको चाहिए, तो देखिएगा यहाँ पर ई रेस टू एक्स ये टर्म तो हमारे पास है. अब आफ्टर दैट आपको क्या चेक करना है वहाँ पर, फंक्शन एफ ऑफ, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन आपको चूज करना है यहाँ से कि जिसका डेरिवेटिव अगर आप करते हो तो वो फ्रंट में अवेलेबल होना चाहिए प्लस या माइनस साइन के साथ. ओके, तो कौन सा फंक्शन है वो, कोस एक्स स्क्वायर एक्स देखिएगा और कॉट एक्स देखिएगा, ये दोनों में से डेरिवेटिव कौन है, यस करेक्ट, कौन सा फंक्शन है देखिएगा, डेरिवेटिव कौन सा फंक्शन है आपके पास, दिस वन राइट, माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स. कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव है ये, तो ये आपके पास किसका डेरिवेटिव है, दिस वन कॉट ऑफ एक्स का, करेक्ट, किसका डेरिवेटिव है ये, कॉट ऑफ एक्स का. कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स. लेकिन ये कंसिडर करने के बाद चेक करिएगा यहाँ पर एक नंबर रिमेनिंग रह जा रहा है 2. तो अब हम क्या सोचते हैं कि ये 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 2, 2 का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 0 होता है, राइट.
तो दैट्स वाई हम अगर इसको cot x के साथ अगर कंसिडर करते हैं 2 प्लस cot ऑफ x, ओके, तो द डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस cot ऑफ x क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस cot ऑफ x, यू विल गेट व्हाट, द डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0, 0 प्लस व्हाट, द डेरिवेटिव ऑफ विच वन, cot x, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर x, सो यू विल गेट व्हाट, माइनस cos x स्क्वायर x, तो वो फ्रंट में अवेलेबल है क्या, यस अवेलेबल है ना यहाँ पर माइनस cos x स्क्वायर x, तो अगर आप यहाँ पर f of x के प्लेस पर अगर आप 2 प्लस cot ऑफ x भी अगर कंसिडर करते हैं तो भी उसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, माइनस cos x स्क्वायर x ही आएगा, ओके, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया है, 2 प्लस cot ऑफ x, ये आपके पास क्या है, f ऑफ x, और ये आपके पास क्या है यहाँ पर, माइनस cos x स्क्वायर x इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ दैट वन मीन्स व्हाट, f डैश ऑफ x, राइट, तो दैट्स वाई यहाँ से अब हम यूज़ करेंगे क्या, ये जो आपके पास फ्रंट में फॉर्मूला है वो फॉर्मूला डायरेक्ट हम अब हम वहाँ पर यूज़ करके राइट डाउन करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, सो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिएगा आपके पास आई इज इक्वल्स टू, पूरा फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है, तो दैट्स वाई इसका आंसर आप क्या राइट डाउन करेंगे, ई रेस टू एक्स इन टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, राइट, क्योंकि फंक्शन भी है ये भी है और e रेस टू x भी है, अगर आपको और एक स्टेप लिखना है तो आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, वो कौन सी, प्रॉपर फॉर्मेट में e रेस टू x इन ब्रैकेट व्हाट f ऑफ x राइट डाउन करना है आपको, 2 प्लस cot ऑफ x अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप यहाँ पर एक ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, देन आफ्टर दैट माइनस प्लस डालिएगा आप क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है ना, एंड देन क्या राइट डाउन करिए, माइनस cos x स्क्वायर x into what dx, ओके, तो आप देखिएगा यहाँ पर ये फंक्शन आपके पास है, ये है फंक्शन 2 प्लस cot ऑफ x प्रॉपर फॉर्मेट में है ये पूरा फॉर्मूले के, और ये आपके पास क्या है उसका डेरिवेटिव, ये हो गया f डैश ऑफ x, ये हो गया आपके पास f ऑफ x, तो दैट्स व्हाई हम इसका डायरेक्टली आंसर राइट डाउन करेंगे, दैट इज व्हाट मीन्स हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो आफ्टर इंटीग्रेशन आपको आंसर क्या मिलेगा वहाँ से, पहले क्या राइट डाउन करना है अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आपको e रेस टू x, राइट, तो चलिए हम राइट डाउन करते हैं e रेस टू x, ये आ गया आपके फ्रंट में e रेस टू x, देन आपको क्या राइट डाउन करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला f ऑफ x, तो यहाँ पर f ऑफ x क्या है दिस वन, ठीक है, तो अब हम राइट डाउन करते हैं उसको, तो e रेस टू x इन टू वॉट इन ब्रैकेट राइट डाउन करिएगा, ओके, 2 प्लस cot ऑफ x, एंड देन आफ्टर दैट क्या राइट डाउन करेंगे आप वहाँ से प्लस सी, तो चलिए अब हम राइट डाउन करते हैं वहाँ पर व्हाट प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा आपके पास आई इक्वल टू, अब ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होता है, दैट्स वाई हेयर इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, आई इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस टू लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट, अब क्वेश्चन देखकर ही आपको आइडिया आ गया होगा कि यहाँ टर्म आपको क्या नज़र आ रहा है ई रेस टू एक्स, तो थोड़ा थोड़ा तो क्लू हमको मिलता है ना यहाँ पर कि हम इसको कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, यस ई रेस टू एक्स इंटीग्रल ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट, अकॉर्डिंग टू दैट हमको क्या प्रिपेयर करना है यहाँ पर फंक्शन और फ्रंट में एडिशन या सब्सट्रैक्शन में उसका डेरिवेटिव, तो चलिए अब हम उस प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो e रेस टू x के डिनोमिनेटर में टर्म x है, x को हम क्या कर लेते हैं सेपरेट करते हैं इस टर्म फर्स्ट टर्म के साथ और सेकेंड टर्म के साथ, ठीक है, वो स्टेप करने के बाद यहाँ पर सॉल्व करने के बाद देखते हैं हमको कुछ क्लूज मिलते हैं, तो मैं सेपरेट करके स्टेप राइट डाउन करती हूँ, ओके, तो ये मैंने सेपरेट करके स्टेप राइट डाउन किया है, ओके, देन अब हम देखते हैं यहाँ से सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या कुछ, यस दिस एक्स एंड दिस एक्स गेट व्हाट कैंसिल, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद की जो स्टेप है पहले हम वो राइट डाउन करते हैं फिर बाद में डिस्कशन करते हैं कि आगे कैसा आपको फॉरवर्ड होना है, ओके, देन अब हम क्या राइट डाउन करेंगे यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस टू लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, अब क्या चेक करेंगे हम यहाँ से कि कौन सा फंक्शन
है जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है. तो दो फंक्शंस है आपके पास प्रोडक्ट में, टू लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वेयर. इतना तो क्लू हमको आ जाना चाहिए अब कि लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वेयर ही हो सकता है फंक्शन, कैसा? तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में. तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, डेरिवेटिव लेकर देखते हैं. ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वेयर. दिस इज इक्वल्स टू वॉट, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वेयर क्या आ जाएगा आपके पास, टू इंटू वॉट, एक्स रेस टू एन फॉर्मूला यूज़ करेंगे पहले, टू इंटू वॉट, लॉग ऑफ एक्स इन टू, टू माइनस वन इज वन, टू लॉग ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स यू विल गेट वॉट, ना चेन रूल यूज़ करेंगे ना यहाँ पर हम, कंपोजिट फंक्शन है दैट्स वाई. ओके, तो टू लॉग ऑफ एक्स इन टू, वॉट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स, क्या राइट डाउन करेंगे आप, वन अपॉन एक्स. तो देखिएगा यहाँ से आपके पास ये क्या प्रिपेयर हो रहा है, यहाँ पर ये टू लॉग ऑफ एक्स और होल डिवाइडेड बाई वॉट, एक्स, करेक्ट. सो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो फंक्शन कौन सा हुआ हमारे पास, दिस वन, राइट. फंक्शन कौन सा हुआ? तो ये आपके फ्रंट में क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस वन, टू लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स, दिस वन आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ डैश ऑफ एक्स. ओके, दैट्स वाई द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज वॉट, दिस इज इक्वल्स टू वॉट, क्या राइट डाउन करना है आपको, ई रेस टू एक्स इन टू, फ्रंट में क्या राइट डाउन करना है आपको, एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, यस, लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वेयर, डन. एंड देन क्या राइट डाउन करेंगे हम यहाँ पर, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज वॉट सी. अब इसके बाद यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई हेयर इज द सोल्यूशन.